हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 96 पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो अभी की सबसे बड़ी अपडेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो CET अब आज सदन से पेश हो गया, और इसके आगे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी टू दी पॉइंट कि क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं। आपको पूरी जानकारी मिलेगी और क्या क्या बदलाव हुए हैं ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं पॉइंट बाय पॉइंट देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ बताऊँगा कि एग्जाम में क्या बदलाव हुए हैं, पैटर्न में क्या बदलाव हुए हैं, और सभी एग्जाम को कैसे कंडक्ट किया जाएगा ये भी आपको बताऊंगा। पहले मैं टू दी पॉइंट आपको ले चलता हूँ जो मैं आपको पॉइंट बनाया हूँ। चलिए दोस्तों, तो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी SSC, RRB और IBPS की Tier 1 परीक्षा के लिए होगा कॉमन इंट्रेंस टेस्ट CET। तो CET किसके लिए होगा? सिर्फ SSC, RRB और IBPS की Tier 1 परीक्षा के लिए। इंट्रेंस से लेकर मेरिट तक सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होगी। साल में 2 बार दे सकेंगे CET, मतलब साल में 2 बार होगी CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलिए और दोस्तों आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे जो आपका सारा क्लियर हो जाए। आप इधर से उधर कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होगा क्वेश्चन पेपर, और 3 स्तर पर होंगे CET, मतलब ग्रेजुएट लेवल, हायर सेकेंडरी और मेट्रिकुलेशन, मतलब 3 लेवल पे होंगे आपके CET एग्जाम। और ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो सही भी है और एक तरह से कहा जाए तो गलत भी है, इसलिए तो इसको ना ही गलत और ना ही सही माना जाए। तो चलिए दोस्तों, और आगे देखते हैं क्या क्या। हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनेगा। 3 साल तक मान्य होगा CET स्कोर। यदि आप एक बार एग्जाम देते हैं और मतलब उसमें आपका स्कोर हो जाता है तो आपका 3 साल तक मान्य होगा CET स्कोर। अब इसको आगे कैसे वो लिया जाता है, क्या आगे फिर से वो एक स्टूडेंट एग्जाम दे पाता है या नहीं दे पाता, वो सारी चीज़ क्लियर होगी। केंद्र सरकार की Grade B और Grade C के पदों के लिए होगी परीक्षा, मतलब केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, Grade B और Grade C के पदों के लिए परीक्षा होगी। तो आप देख सकते हैं कि CET अब साल में 2 बार होगा, और किस किस के लिए हो गया? SSC, RRB और IBPS Tier 1 की परीक्षा के लिए CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। चलिए दोस्तों, तो और आप आगे बात करते हैं। इससे पहले यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, क्योंकि कोई भी नोटिस आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दी जाती है, इसलिए दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों और देखते हैं, देखिए क्या है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट गिव्स मोर चॉइस टू जॉब सीकर्स। तो अभी ये सब आपको पता चलेगा कि लगेगा कि सरकार ने कुछ किया है, लेकिन कुछ के लिए अच्छे हैं, क्योंकि जो नए स्टूडेंट अभी आ रहे हैं, जो इस बार 10th 12th या ग्रेजुएट देकर आ रहे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उसके लिए थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि आप पैटर्न चेंज होगा, फिर से उसको नए सिलेबस की ओर जाना होगा। तो चलिए दोस्तों और देखते हैं क्या है। ग्रेजुएट लेवल, हायर लेवल, मेट्रिकुलेशन लेवल के लिए आप समझ गए, और आप देख सकते हैं इसमें। चलिए और दिया गया है कि ट्रांसपेरेंसी, मतलब इसमें एग्जाम में कोई और देखिए, डिग्री टू बी कंडक्ट मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, और सब चीज़ वही है। और देखिए ये मेन मेन आपको ये समझना है, देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर ये देखिए, मतलब बेस्ड ऑन सीट स्कोर फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज Tier 2 और Tier 3 एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट एजेंसी। मतलब सिर्फ आपको Tier 2 और Tier 3 जो है, जो SSC है या IBPS है, वो लेगी, और CET स्कोर कैंडिडेट, मतलब 3 साल के लिए आपका स्कोर वैलिड होगा, और कोई चीज़ आपको परिवर्तन नहीं है। और आप देख सकते हैं ये देखिए, ये जितेंद्र सिंह का भी आया हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें कुछ है नहीं, केंद्र का बड़ा फैसला, अब सरकारी नौकरियों के लिए एक टेस्ट, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी लेगी परीक्षा। तो अब वही चीज़ है, अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल इसे समाप्त करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया। राष्ट्रीय भर्ती संस्था नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ले, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। संयुक्त योग्यता परीक्षा को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। बैंकिंग, रेलवे और SSC भर्ती। केंद्र सरकार ने मंत्रालय, विभागों एवं संगठनों में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में बैंकिंग, रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग के Group B और Group C के पदों पर भर्ती के लिए एक संयुक्त योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं, और इन सभी की परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ भविष्य में समान पात्रता परीक्षा CET कराएंगे। हालांकि आरंभ में केवल 3 एजेंसियों के परीक्षाओं को समान बनाया जा रहा है, मतलब आगे जो है और सब भी जितनी भी एग्जाम होती है सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों एक तरह से ये आपके लिए अच्छी भी है, और एक तरह से कहा जाए जो नए पुराने स्टूडेंट हैं उसके लिए थोड़ी
दुखदायक हो सकती है, लेकिन नए स्टूडेंट के लिए ये अच्छी होगी। मंजूरी मिलने के बाद संयुक्त प्रत्यय परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानी 2021 से किया जाना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत विद्यार्थी बोल रहे थे इस साल से होगा या अगले साल से होगा। तो मंजूरी मिलने के बाद संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानी 2021 से किया जाना। इसके तहत सरकारी नौकरियों की तैयारी करे उम्मीदवारों को केंद्रीय विभागों एवं संगठनों में भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करने होंगे। सरकार ने संयुक्त नियोक्ता परीक्षा का प्रस्ताव सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों को सहूलियत देने के उद्देश्य से किया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2020 को जानकारी दी थी कि सरकारी एजेंसियों को हर वर्ष आवेदन करने वाले 2.5 करोड़ उम्मीदवारों हेतु भर्ती प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार एक ऑटोनोमस बॉडी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का गठन करेगी, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑनलाइन आयोजन करेगी। और ये आपको मैं बता ही दिया कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 3 स्तर पर होगी, सेकेंडरी, 10th लेवल और 12th लेवल और स्नातक। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा से उम्मीदवारों को अलग अलग भर्ती परीक्षा ना देनी पड़ेगी। इसमें विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथि में क्लैश भी नहीं होगा। साथ ही उम्मीदवारों को अलग अलग फॉर्म भरने में बार बार शुल्क देने की बजाय एक ही परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। तो चलिए दोस्तों, तो आपके लिए मैं ये बहुत ही टू डी पॉइंट आपको मैं ये बता दिया कि आपको टू डी पॉइंट आप ये सोच सकते हैं। और एक नोटिस आप देख लीजिए, संयुक्त योग्यता परीक्षा के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के गठन का प्रस्ताव 2020 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा दिया गया था। संयुक्त योग्यता परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड भी है इसमें, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के पहले स्तर की परीक्षाओं को प्रतिस्थापित करेगी। तो चलिए दोस्तों, तो आपने देख लिया होगा ये, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल का नाम है Study96। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई भी जॉब अलर्ट या कोई भी नई जानकारी आपको सबसे पहले Study96 पर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद।